हाँ भाई, क्या हाल है? तो आज के सेशन में हम लोग सीजीएल मेंस 2017 यानी कि जो 18th वाला पेपर है, आज वाले पेपर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास 10-12 क्वेश्चंस, बट उसमें से 9 क्वेश्चंस इजी थे, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, बट इजी थे, मैंने उसको नहीं लिया है। मेन है कि आपको एडवांस मैथ से कितना थोड़ा सा, क्योंकि एरिथमेटिक और एडवांस को कंपेयर किया जाए तो आज भी पेपर कल के तरह ही आया था, टफ पेपर ही आया था। एडवांस सेक्शन से टफ क्वेश्चंस आए थे, एरिथमेटिक आज भी इजी था जैसा कि कल था। ठीक है, तो तीन क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया हूँ, तो उस तीनों क्वेश्चन को अपन देखेंगे। यदि आप लोग का रिक्वेस्ट हुआ तो बाकी जो क्वेश्चंस एरिथमेटिक के इजी वाले आए थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी तीन क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स का ही लेंगे अपन। देखिए, इजी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस भी इजी है, बट थोड़ा सा आपको लिंक से हट के, ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। क्वेश्चन टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं हो रहा क्वेश्चन। हम लोग यूज्ड टू थे कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आया। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स आर ज्वाइंड एज शोन इन फिगर हैविंग साइड एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले क्यूब जो है 8 सेंटीमीटर का है, बड़े वाले क्यूब जो है 20 सेंटीमीटर का है, और दोनों क्यूब्स जो है आपस में ज्वाइंट किए गए हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस वाले एरिया का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। फिर से बता रहा हूं, आप लोग को टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, अगेन बोल रहा हूं टफ क्वेश्चन बनाया है, इसका मतलब कि सिमिलैरिटी का यूज आएगा ही आएगा। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में टफ क्वेश्चन बना, टफ नहीं है क्वेश्चन, इजी है। सिमिलैरिटी को यूज करके झट से आप निकालेंगे। देखिए, यदि इसको नाम दे दे अपन ए बी सी डी और ई, देखिए ट्राइंगल ए बी सी को आप देखिए गौर से और ट्राइंगल ए डी को आप देखिए गौर से, क्या हो रहा है? यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ए वाला जो एंगल है, यदि मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि जो यहाँ पे एंगल है वो भी 90, ए भी 90, और एंगल ए पे जो बन रहा है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो रिमेनिंग जो बी पे बनेगा वो यहाँ डी पे भी बनेगा। इसका मतलब कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। ए वाला पार्ट आपको 8 दिया है, ए वाला पार्ट 20 दिया है, तो टोटल पार्ट क्या हो गया आपको 28। यदि बड़े वाले, आप सिमिलैरिटी को ऐसे भी आप बता सकते हैं, कैसे, ए सी बटा ए ई बराबर, इस हाइट को एक्स ले लीजिए तो एक्स बटा 20। बट मैं जो सिमिलैरिटी का यूज करता हूँ के रेशियो लेकर के, देखिए 8 जो है छोटे वाले का है तो बड़े वाले का 28 है, यानी कि बड़ा वाला छोटे वाले का कितना टाइम्स है, के का जो वैल्यू निकालेंगे वो आपको कितना टाइम्स हो जाएगा, 7/2 टाइम्स, यानी कि 3.5 है। 8 का 3.5 गुना बड़े वाले का बेस है। इसका मतलब कि जो छोटे वाले का ए वाला पार्ट है उसका 3.5 गुना ये बड़े वाले का हो जाएगा, यानी कि कहने का क्या मतलब कि बीसी का जो है 3.5 टाइम्स आपका डी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको देख लीजिए, इसे ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सिमिलैरिटी मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूं। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी तो 20 है, 20/7 ऊपर टू चला जाएगा, यानी कि 40/7 आ गया। अब देखिए, इस ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी का ही तो एरिया शेडेड है, यही तो एरिया पूछा गया है, इसका एरिया निकाल सकते हैं कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस पता हो गया, हाइट पता हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो आपका 8 है, हाइट कितना, एक्स का वैल्यू 40/7 आया, 2 से इसको काट देंगे 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 16 160/7 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो इजी क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी का बस यूज करना था यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अल्जेब्रा के अंतर्गत ही बता चुका हूं। क्या बोला है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इज 5 + √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² / a b c, आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको केवल ए
पॉइंट ध्यान में रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट आपका ए रूट बी आता है एक रूट, तो दूसरा रूट इसका अपने आप इसका कॉन्जुगेट हो जाता है, यानी कि ए माइनस रूट बी हो जाता है। ये आपको बस ध्यान में रखना था कि यदि आपको ए प्लस रूट बी के फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया गया है, इसका मतलब कि उसका जो दूसरा रूट होगा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कि ए प्लस रूट भी दिया है तो दूसरा रूट अपने आप इसका, ये आपका रूल बोलिए थ्योरम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए माइनस रूट भी होगा। जैसे ही ये हो गया आपका काम बन गया। देखिए पहला रूट अल्फा क्या दिया है, 5 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट बीटा क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3। अब यहाँ से आपको पता है कि जब दो रूट्स पते रहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू एक्स बराबर 0 होता है। सम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, प्रोडक्ट यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 22 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0। और ए वाला कौन से इक्वेशन के बराबर है, इसी इक्वेशन को बोला गया है क्या आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -10, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 22। अब आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 100 प्लस 484 बटा ए प्लस बी प्लस सी, 22 1 23 -10 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये 484 प्लस 100, 584 प्लस 1 585 बटा 13 आ गया। काट दीजिए इसको, 13 चौका 52 6 13 5 65, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 45 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे अपन डील करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन मेंसुरेशन में देख चुके हैं। अ लार्ज क्यूब इज ब्रोकन इनटू 127 स्मॉलर क्यूब्स। चलिए इसका एक टॉप व्यू देख लेते हैं कि लार्ज क्यूब का जो टॉप व्यू है वो एक स्क्वायर आएगा, इसको 27 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि दो पार्ट्स आपको यहाँ कट करना होगा, दो पार्ट्स आपको यहाँ कट करना होगा, फिर हाइट को दो पार्ट्स कट करना होगा। तो सपोज आप मान लीजिए कि जो साइड दिया गया है, सपोज चलिए ए ही ले लेते हैं कि चलिए ए ही है, तो छोटे वाले क्यूब का एक साइड क्या आ जाएगा, ए बाई थ्री, यानी कि जो क्यूब आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बाई थ्री सब साइड हो जाएगा इसका। तो अब देखिए पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इज मोर देन द लार्जर क्यूब। ओके, तो चलिए पहले जो आपका बिगर या लार्जर जो क्यूब दिया गया है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। चलिए स्मॉलर जो है क्या बोला गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब, यानी कि 27 स्मॉलर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 27 इंटू 6 इंटू इसका साइड क्या है, ए बाई थ्री, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 9, इसको काट देंगे 9 3 27 यानी कि 18a स्क्वायर। अब आपका ओरिजिनल जो बड़े वाले का 6a स्क्वायर है, छोटे वाले का सबका मिला के 18a स्क्वायर है, तो कितना परसेंटेज मोर होगा इसका, देखिए 6 से 18 हो रहा है यानी कि 200% जो है वो ज्यादा होगा या 200% की वृद्धि होगी। यदि आपसे पूछा जाता हाउ मेनी टाइम्स, तो यदि हाउ मेनी टाइम्स पूछा जाता तो ये 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है आपका बड़े वाले का जो एरिया का, तो 3 टाइम्स है, बट आपसे पूछा गया कितना टाइम्स जो है, कितना परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, तो कितना परसेंट से ज्यादा होगा, 200% से ज्यादा हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस था, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जो अच्छे क्वेश्चंस है उसको आप लोगों के बीच जरूर डिस्कस करूं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं।